हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेफ्ट स्टार स्टडी में साइंस स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि इसकी पहली सीरीज में जो हमने कार ऊर्जा व शक्ति नामक चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि हर एग्जाम में उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ऊष्मा। उसमें से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में साइंस अगर आपसे पूछी जा रही है, तो उसमें उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, हम साइंस के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठा रहे हैं, क्योंकि क्या बहुत सारे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और हर एग्जाम में क्या इस टाइम पे साइंस पूछी ही जा रही है। तो उन सब बच्चों को ध्यान में रख के, क्योंकि बच्चे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं हमारे और एग्जाम भी सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्या है जो बच्चों के एग्जाम अभी जस्ट आने वाले हैं, तो अभी इसलिए उनके लिए स्टार्ट की गई है। क्योंकि क्या है, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, पहले हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद बाकी चैप्टर भी हम कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को हल सॉल्व कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि बच्चों के एग्जाम में नंबर आसानी से स्कोर कर सकें। उसी में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा हीट। चलिए तो फिर हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? ऊष्मा। तो ऊष्मा होती क्या है? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती है? तापांतर के कारण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। वो होती है किसके कारण? तापांतर के कारण। अभी कह रहा है ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन जब ऊष्मा क्या होती है, जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, जैसे दो वस्तु होती है, एक थी कि ठंडी रख दो, एक गर्म रख दो, लेकिन कुछ देर बाद क्या देखेंगे, आपके दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित, और क्या होती है, केवल तापांतर के कारण, कि जो दोनों में ताप का अंतर होता है, इसी कारण ऊष्मा इस वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछता है ऊष्मा का स्थानांतरण किसके कारण होता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण होता है तापांतर, ताप में अंतर। ठीक है, ये आपसे दो तीन पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम पूछ लेते हैं। यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? 1 कैलोरी। तो कई बार आप पूछ लेते हैं 1 कैलोरी में कितने जूल ऊष्मा होती है, तो आपको पता है। ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मात्रक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में। ऊष्मा के एसआई पद्धति में मात्रक है जूल। इसके अतिरिक्त हम ऊष्मा को कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट आदि में भी इसका मात्रक को गणना करते हैं। कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये सब क्या है? ऊष्मा के मात्रक है। ऊष्मा के एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। कई बार आपसे पूछते हैं 1 कैलोरी में कितनी जूल ऊष्मा होती है? 1 कैलोरी में 4.186 जूल ऊष्मा होती है। 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 किलो कैलोरी में 4,186 जूल होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी उसमें होती है? तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी उसमें होती है। तो आपको मैंने भी बताया ऊष्मा को हम किस किस पद्धति के मात्रा में व्यक्त करते हैं। ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। ऊष्मा को हम कैलोरी में व्यक्त करते हैं, ऊष्मा को किलो कैलोरी में, इसके अतिरिक्त ऊष्मा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट में व्यक्त करते हैं। अब कई बार आपसे ये पूछा जाता है किसी वस्तु में जो निहित होता है ऊष्मा जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको क्या अभी लग रहे होंगे कि मैं पूरा थ्योरी पढ़ा रही, थ्योरी है लेकिन आपके एग्जाम में थ्योरी उतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन इन थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट को याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें पॉइंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक बार थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर हम उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, अगर जब हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार ये पूछा गया था किसी वस्तु की ऊष्मा क्या करती है, किस पर निर्भर करती है? ताप पर, दाब पर, द्रव्यमान पर, या तीनों पर? तो बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया, क्योंकि क्या करते हैं, हमें ऊष्मा पढ़ लिया, ऊष्मा के मात्रक पढ़ लिया और जो पूछ लिया, लेकिन ये क्या छोटा सा पॉइंट है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा क्या करती है? उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप चाहे लगा के रख लीजिए, किसी वस्तु में नहीं तो उसमें उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। यदि कोई कार W ऊष्मा क्यू में बदलते हैं तो उसका यांत्रिक तुल्यांक क्या होगा? कार बटा ऊष्मा, W बटा क्यू।
ये क्या होता है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक का मतलब होता है कि कोई ऊष्मा कार्य करती, उसमें क्या करती, कार्य करने में मदद करती है। ऊर्जा हमने आपको बताया था क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। और ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो क्या होता है, तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, आपको पता है। तो कह रहे हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का फॉर्मूला होता है कार अपान ऊष्मा। कार आपका किससे डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, ऊष्मा को क्यू से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है कि यांत्रिक तुल्यांक क्या, जे एक नेतांक है। यांत्रिक तुल्यांक का नेतांक किसे कहते हैं, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का नेतांक जे को कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो ये फार्मूला याद रखिए, जे इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, ये याद रखिए, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करती है। तो मात्रा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करती है, तो हमारी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, आपसे मैंने पहले ही बताया थ्योरी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पहले थ्योरी बताई, उसके बाद उससे रिलेटेड पॉइंट बता रही हूँ। इसके बाद क्या करूँगी, मैं इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लाऊंगी, जिससे क्या होगा, आपका एकदम कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अब बताइए विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए हम क्या पढ़ते हैं अब, इससे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट क्या है। सभी ध्रुवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो कई बार आपसे क्या दे देगा, विभिन्न सारे कई द्रव्य दे देगा, जैसे जल, केरोसिन या और कोई द्रव्य दे देगा, उसमें पूछेगा सबसे सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो सभी ध्रुवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ये आपका एक पॉइंट तैयार हुआ, विशिष्ट ऊष्मा थे। आप कह देगा गैसों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस गैस की होती है, तो गैसों में हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अब आपसे पूछ सकते हैं ठोस द्रव तथा गैस में विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसकी होती है, तो ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा गैस की होती है। तो आपको तीन पॉइंट तैयार हुए। देखिए अगर आप पहला पॉइंट क्या पूछा, गैसों में किसकी सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो गैसों में किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की। अगर पूछेगा द्रवों में सर्वाधिक किसकी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन आपसे कई बार क्या पूछता है, ठोस द्रव तथा गैस में किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो किसकी होती है, गैस की। अब इस तरह से क्वेश्चन बदलने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, कोई ठोस वस्तु का नाम दे देगा, कोई द्रव का नाम दे देगा, कोई गैस का नाम दे देगा, और आपसे ऐसा पूछ सकता है इनमें से सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी, तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी, हमारी गैस की, जो भी गैस आपको दिया हो। तब आप ये नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही हो, क्योंकि तब ये अवस्था के आधार पर पूछेगा, तो अवस्था के आधार पर क्या होगा, जो भी आपको गैस दी हुआ। अगर लेकिन सारी गैस आपको दे दे, तब पूछे कि इसमें सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किस गैस की होगी, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस की। तो हमारे आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। और जब आपको सारे द्रव्य दे के पूछे सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी, तो किसकी होगी, हमारे जल की। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं आपसे जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी कैलोरी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 4200 कैलोरी, और बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा 2300 कैलोरी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये जो भी पॉइंट मैंने याद करा इनको कन्फर्म याद रखना, क्योंकि हर बार इन्हीं को घुमा फिरा के इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछते, अगर विशिष्ट ऊष्मा से क्वेश्चन पूछिएगा तो मैंने जितने पॉइंट बताए इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से कर लेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या होते हैं, देखो किसी वस्तु को हम गर्म करने में तो उसके लंबाई में, क्षेत्रफल में, वैल्यूम आयतन में वृद्धि होती है। आप किसी भी वस्तु को प्रकृति में, जो कोई भी वस्तु उपलब्ध है, आप उसको गर्म करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ यही तीन परिवर्तन होते हैं, उसके लंबाई में वृद्धि होती होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या आयतन में वृद्धि होगी। तब इनकी वृद्धि जो होती है, तो इनको एक गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कह रहे हैं लंबाई में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्या टॉपिक है, ऊष्मा धारिता। अब पहले मैं पता होना चाहिए धारिता क्या होती है। धारिता होती किसी वस्तु को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी। जैसे आपने अक्सर पढ़ते होंगे इस टैंक की धारिता इतनी है, इस ड्रम की धारिता इतनी है। धारिता क्या, उसके धारण करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम पढ़ते हैं उसमें धारिता क्या होती, किसी वस्तु के द्रव्यमान
के तापमान अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी वस्तु के द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऊष्मधारिता। देखिए आपके पास कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान के तापमान को बदलना है। आपको मैंने बताया था तापमान किसी वस्तु का तापमान किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का तापमान उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान के ताप को अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा धारिता का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। जो क्योंकि हमारा ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पे। और विशिष्ट ऊष्मा जो हम उसकी मात्रा को बदले 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मल सी बात आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊष्मा धारिता क्या होगी? देखो द्रव्यमान में हमारा ताप निर्भर कर रहा है और विशिष्ट ऊष्मा क्या? उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने में जो आवश्यक ऊष्मा होती है। अगर हमें ऊष्मा धारिता मतलब उसकी कैपेसिटी निकालनी है तो हमें द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा को गुणा करके पता चल जाएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है। ऊष्मा धारिता का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा धारिता तो आपको पता था, अब पढ़ना चाहिए ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा धारिता का मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस। नेक्स्ट क्या होता है? गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त का तात्पर्य क्या होता है? छुपा हुआ। और छुपी हुई ऊष्मा तो आपको पता है एक प्रकार की ऊर्जा है। स्थिर ताप पर ताल लिख गया सॉरी स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कह रहा है स्थिर ताप हो, किसी वस्तु का ताप क्या हो? स्थिर हो। और किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान की अवस्था के लिए, एकांक द्रव्यमान पर उसके अवस्था के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे उस पदार्थ की हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है। अब आपसे पूछ सकते हो गुप्त ऊष्मा के एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, इसी तरह से हम ऊष्मा चैप्टर को आज हमने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाया क्योंकि क्या होता है, लेकिन मैंने जितने भी पॉइंट पढ़ाए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हो, बच्चे में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। आपको मैंने इतना शॉर्ट में पढ़ाया तो आपको लगे अरे बहुत छोटा है इतने कम पॉइंट, लेकिन इन्हीं सबको जब आप पूरी थ्योरी पढ़ते तब इन पॉइंट को अगर बीच से निकालना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने क्या करूँ सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट निकाल के आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि क्या करते हैं कई बार आप बुक में पूरी बुक ख़त्म कर देते हैं बच्चे, फिर उसके क्या होते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। क्या दिक्कत क्या होती है कि हम पॉइंट टू पॉइंट निकाल के नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ। उसमें क्या अभी एक दो टॉपिक तो हाँ और दो वीडियो तो कन्फर्म आएंगे आएंगे ही, हो सकता है तीन भी आ जाए क्योंकि उसमें एक बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हमारे यहाँ वीडियो को लगातार जो वीडियो आगे आने वाले देखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो को वो भी बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की और श्योर तैयारी की, आप इस तरह से अगर हमारे वीडियो को आप 2-3 महीने रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं तो आप गारंटी से कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को आप बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा आपका जो एग्ज़ाम टाइम पे जो होता है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे वीडियो आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।